है गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम के एजुकेशन पॉइंट तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं आपकी डी मोटर चैप्टर के बारे में जिसमें हम आप, आपको बताएंगे इस आपके निम्निक निम्निक क्वेश्चन के बारे में जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में हु आपको ऐसे क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं ठीक है थीके? इसके अलावा मैं आपकी पूरी व्याख्या कराऊंगा इसके साथ में क्वेश्चन की और व्याख्या के साथ मैं आपको पूरी समझाने की कोशिश भी करूंगा फिर भी कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आता है या कोई समझ में आ, आ, नहीं आया आपके समझ में या फिर कोई डाउट है तो आप मुझे भी हिजक मेरे कमेंट कर सकते हो और साथ में कमेंट ना करके आप मेरे से डायरेक्ट आने की कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो व्हाट्सएप के माध्यम से जो कि मेरा व्हाट्सएप नंबर आपका है आपका नाइन सिक्स वन ज़ीरो सिक्स ज़ीरो सिक्स टू फाइव फोर ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मुझे सीधे ही अपनी जो प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन से संबंधित जो प्रॉब्लम है मुझे सेंड कर सकते हो मैं विद इन टाइम में आपका उस प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन करने का यानी सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा ओके तो फ्रेंड्स चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और पढ़ते हैं ठीक है ठीके? चलो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में आपको मैं आपका पार्ट वन बता बताऊँगा उस पार्ट पार्ट वन के तहत क्या आपका ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन करवाऊंगा इसके अंदर ठीक है

तो इसका राइट right आंसर क्या है ऑप्शन डी कैलविन ब्रिज का हमें पता है कि प्रतिरोध को मापने के लिए क्या होता है आपके विभिन्न प्रकार के जो उपकरण काम आते हैं कौन कौन से जैसे ओ मीटर आ गया अपना ठीक है इसके अलावा क्या आपका वीज स्टोन ब्रिज आ गया इसके अलावा कैलविन डबल ब्रिज आ गया थीके? इसके अलावा क्या आपका क्या कहते हैं पोस्ट ऑफिस विधि आ गई इसका वेह माफी होगी इसके बाद मल्टीमीटर हो गया इसके बाद मेगर हो गया यानी कि बहुत से आपके इंस्ट्रूमेंट है जो आपका प्रतिरोध को मापते हैं लेकिन इसमें पूछा क्या है आर्मेचर का रेजिडेंस पूछा है हमें पता है कि आपके डीसी मोटर है ना डीसी मोटर है उसकी आर्मेचर जो का रेस्टेंस रहता है वो बहुत कम रहता है क्या रहता है आर्मीचर का रेजिस्टेंस बहुत कम रहता है यानी कि आपकी आपके जीरो पॉइंट के समथिंग पहुंच जाएगा या एक दो के समथिंग पहुंच जाएगा ना बहुत कम रहता है और के पे जाए फील्ड बाइंडिंग सीरीज बाइंडिंग और आर्मेचर बाइंडिंग अगर तीनों की कंपेरिजन किया जाए तो आर्मेचर बाइंडिंग का प्रतिरोध सबसे कम रहता है अब देखो जब प्रतिरोध सबसे कम होगा तो अपन किससे नापे के फोन जो सबसे कम प्रतिरोध को मापता है तो सबसे कम प्रतिरोध को नाप नापने वाला कौन सा उपकरण है वो आपका कैलविन डबल ब्रिज कौन है कैलविन कैलविन डबल ब्रिज आपका ठीक है अच्छा कैलविन डबल ब्रिज है तो इसे पुनः क्या बोल देते हैं ये क्या करता है आपका न्यूनतम प्रतिरोध को मापता है तो इसलिए इसका आंसर क्या है ऑप्शन डी यानी कि कैलविन तो नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं आगे का पीछे लिख दिया तो कैलविन ब्रिज आपका क्या करता है आर्मीजेरिस्टेंस को मापता है ठीक है क्योंकि ये सबसे कम प्रतिरोध को नापता है वो आर्मीजेर का सबसे कम प्रतिरोध रहता है ठीक है चलो आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड बहुत विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट आर्मेचर वाइंडिंग फॉर शॉर्ट एंड ओपन सर्किट यानी कि शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है ऑप्शन ए टोंग टेस्टर ऑप्शन बी इंटरनल ग्राउलर ऑप्शन सी एक्सटर्नल ग्राउलर ऑप्शन डी डिजिटल मल्टीमीटर तो देखो यहाँ पे क्या है अपना कोई आर्मेचर बाइंडिंग है आपका आर्मेचर स्टाफ से रहता है और उसमें क्या आपका स्लॉट कटे होता है आपकी स्टाफ से ठीक है अच्छा और यहाँ पे आप आपको शॉर्ट लाइट निकली होती है अब मुझे इस आर्मेचर बाइंडिंग में क्या करना है शॉर्ट सर्किट और क्या करना है ओपन सर्किट टेस्ट करना है तो मैं क्या करूँगा आपका जो आपका ग्रा, ग्रालोर होता है आपका कैसे एच एच शेप का होता है आपका ग्लोलोर होता है ठीक है यानी कि एच सेप का तो ये इसका प्रयोग करूंगा ये कौन सा होगा इंटरनल या भारी ये होगा भारी क्योंकि तो आपके आर्मेचर को ना इस पर अपन रखेंगे क्या रखेंगे आर्मेचर को इसके ऊपर रखेंगे तो ये कैसा बन जाएगा आउटर तो आउटर ग्राउलर क्या करता है आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट मोटर का चेक करने के काम आता है ठीक है तो ये इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन सी यानी कि बाहरी ग्राउलर इसका राइट आंसर है अगला देखें इसको थर्ड क्वेश्चन आपका यहां पे देखते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं आपका यहां पे ये है आपका व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ ए डीसी डीसी मोटर डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का नाम क्या है यानी कि आपको दे रखा है ये इस विधि का जो आपके कंट्रोल विधि हो रही है इस विधि का नाम पूछा है तो देखो इसमें क्या है आर्मीचर के समांतर क्रम में लगा हुआ है क्या आर्मीचर के गया और इसके रियो स्टेट लगा रखा है तो ये किस होगी आर्मीचर कंट्रोल यानी कि आर्मीचर कंट्रोल क्योंकि आर्मीचर को तो कंट्रोल कर रहा है तो कौन सी विधि ये आर्मीचर कंट्रोल तो राइट आंसर क्या है इसका ऑप्शन डी यानी कि आर्मीचर डायवर्ट विधि ठीक है अगला देखिए इसको फोर्थ में आपका विच बाइंडिंग वायर इज यूज फॉर डीसी फील्ड कॉइल सील्डी तो फील्ड कॉइल के लिए किस बाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है ऑप्शन ए सुपर इनेमल्ड तांबे का तार ऑप्शन बी सिंगल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर ऑप्शन सी डबल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर ऑप्शन डी पी वी सी कवर्ड बाइंडिंग वायर तो इसका क्या आंसर है ऑप्शन ए यानी कि सुपर इनेमल्ड तावे का तार हमें पता है कि जितने भी आपकी बाइंडिंग होती है वो सब की सब बाइंडिंग आपकी तावे अं, की बनाई जाती है ठीक है चाहे वो चाहे वो अल्टरनेट की बाइडिंग हो चाहे ट्रांसफॉर्मर की बाइंडिंग हो चाहे जनरेटर की बाइंडिंग हो चाहे मोटर की बाइंडिंग हो किसी की बाइडिंग हो जब वर्ड आ गया आपका क्या बाइंडिंग का तो आपको है ना बिल्कुल कुछ भी संकुच नहीं करना सीधे तांबे का लगाना है क्या लगाना है तांबे को बनाए क्योंकि जितनी भी बाइंडिंग होती है वो सब तांबे की बनाई जाती है और तांबा कैसा आपका अच्छा कंडक्टर है अच्छा चालक पदार्थ है जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है ओके ठीक तो है। अगर देखो तो इसका राइट आंसर क्या है गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है देखो डीसी जनरेटर डीसी जनरेटर की हमें स्पीड ज्ञात करनी है तो देखो जैसे डीसी जनरेटर होता है ना वैसे ही इसका फॉर्मूला भी डीसी मोटर में रहता है फर्क पड़ता है कि डीसी जनरेटर में क्या रहता है आपका डी सेंटर का फॉर्मूला क्या आपका फाइव जेड एन पी तो यानी जितने बैक ईम में काम करेगा आपका जनरेटर में आपका रहता है प्रेरित विद्युत भागपोल जबकि इसमें क्या रहेगा आपका बैक में रहेगा ठीक है तो ई भी लग जाएगा फॉर्मूला सेम रहे तो फाइव जेड एन पी अपॉन सिक्सटी ए अब देखो इसमें से क्या है केवल आपको ना फाइव रहने दिया है और एन रहने दिया है और सबको क्या कर दिया कॉन्स्टेंट तो यहाँ पे बचेगा ई और यहाँ पे आपका फाइव और एन बचा है अब मुझे क्या करना है मुझे एन निकालना है तो फाइव क्या लगेगा इसमें भाग लग जाएगा तो अर्थात एन बराबर आपका ई बी अपॉन फाइव ई वी अपॉन फाइव ये हो जाएगा ए बी अपन फाइव तो कौन सा इसमें से ऑप्शन आपका अगर मेरे पास ई बी ओपन क्या आपका 5, तो ऑप्शन आपका ए ए इसका राइट आंसर है ठीक तो right है तो ए इसका राइट आंसर है आर्मेचर में डुप्लेक्स लेफ्ट बाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं तो देखो इसमें से डुप्लेक्स पूछा है क्या है डुप्लेक्स और डुप्लेक्स क्या होता है दो होता है आपका ठीक है और इसमें क्या है? पूछा पोल आपकी चार है तो क्या होगा दो

कि डीसी मोटर के अंदर आपकी जो गोडन की दिशा है उसको कौन डिफाइन करता है वो करता है आपका फ्लेमिंग का फ्लेमिंग का कौन सा करता है फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम कौन सा बाम हस्त नियम करता है और फ्लेमिंग का राइट राइट हस्त नियम किस में कम आता है डीसी जनरेटर जनटर आता है तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन सी यानी कि फ्लेमिंग के बाए का नियम काम आता है ठीक है अच्छा अगला देखो इसमें में क्वेश्चन क्वेश्चन आपका यहाँ पे वट इज द नेम ऑफ डी सी मोटर यानी कि डीसी मोटर का नाम क्या है देखो इसमें कौन जी डी सी मोटर पूछिए इसका नाम पूछा है क्या है इसका नाम देखो नाम क्या है आपका देखो यहाँ पे क्या आपका आपका आर्मी से दे रखा है और यहाँ आपकी कौन सी है फील्ड वाइंडिंग दे रखी है तो कौन सी होगी वैसे सीधी सी बात है कौन सा कौन सा जनरेटर जन, हो गया सन्ट जनरेटर हो गया क्या हो गया संट जनरेटर हो गया ठीक तो है? है तो कौन सा है सनेटर क्योंकि इसके समांतर क्रम में आपकी क्या है बाइंडिंग लगी है तो कौन सा हो गया संट जनरेटर सॉरी संट मोटर आपका क्या आपका सन्ट मोटर है ठीक है चलो राइट आंसर क्या इसका इसका आपका ऑप्शन दिशा किस नियम से निर्धारित होती है तो वही तो करंट की दिशा पूछ रहा है इसमें यानी कि डीसी मोटर में तो डीसी मोटर में क्या होता है आपका जो अफलेमी के का नियम होता है उसमें आपके तीन डायरेक्शन होते हैं आपके स्टाफ से ठीक है इसमें से अंगूठा होता है वो आपकी क्या है चालक की दिशा बताता है और जो मध्यमा उंगली होती है वो क्या बताता है बताती है आपको चुम्बकी चित्र की दिशा बताएगी और आपकी जो न, क्या कहते हैं प्रथम उंगली सॉरी प्रथम उंगली बताएगी आपकी चुम्बकी चित्र की दिशा और मध्यमा उंगली मतलब द्वितीय उंगली क्या बताएगी आपकी प्रेरित विद्युत की दिशा तो देखो इसमें से पूछा कि आपकी है ना ये मोटर के अंदर जो आपके करंट की दिशा है वो कौन सा नियम बताता है तो वो बताया आपका फ्लेमिंग के हाथ का नियम बताता है जबकि तुम्हें

नेम ऑफ द नेम ऑफ द टाइप ऑफ डीसी मोटर डीसी मोटर के प्रकार के नाम बताओ कौन सा आपका तो देखो इसमें पूछा है ऑप्शन ए सेंट मोटर ऑप्शन बी श्रेडी मोटर ऑप्शन सी लंबी सेंट कंपाउंड मोटर ऑप्शन डी शॉर्ट सेंट कंपाउंड मोटर तो कौन सा इसमें से शॉर्ट सेंट कंपाउंड मोटर आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है क्यों क्योंकि यहाँ पे क्या आपकी जो अब कंपाउंड मोटर में क्या होता है आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग और सेंट फील्ड वाइंडिंग दोनों ही जुड़ी रहती है तो देखो इसमें से जो आपके इसमेंट फील्ड ना बंट फील्डिंग है आंसर है, तो है, है, तो है अगला देखो ये पूछा है आपका आपका इलेवेंथ में व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट यानी ओप का नाम क्या है तो अभी मैंने आपको जस्ट आपको डिस्कशन किया था आपका ग्राउलर होता है क्या ग्राउलर वो आपकी एच शेप में रहता है अंग्रेजी के एच शेप में रहता है उस पर क्या बोलते, बोलते हैं और ओपन सर्किट दोष और साथ में अर्थ फॉल्ट इन तीनों को चीज चीज को क्या कहता है ज्ञात करने के काम आता है तो पूछाएगा ये कौन सा आपका टाइप है तो कौन सा है आपका ये बाहरी ग्राउलर आपका क्या सबका बाहरी ग्राउलर तो देखो कैसे बाहरी आपका और एक आपका आंतरिक ग्रहण हो गया कहता है ये आपका आउटर आपका आउटर आपका क्या ग्रहण हो है ठीक है तो ऑप्शन क्या है इसका इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है यानी कि बाहरी ग्राउलर ठीक है चलो अगला देखें इसका ट्वेल्थ में क्वेश्चन का देखो व्हाट इज द नेम ऑफ वाइंडिंग इफ कॉयल पिच इज लेस देन पोल पिच यदि कॉयल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है यानी कि जो ना है ना नाइल पिच है वो पोल पिच से क्या कम है तो क्या ऑप्शन डी यानी शॉर्ट कॉट बाइंडिंग ठीक है चलो आगे थर्टीन का देखो व्हाट इज दर्पज ऑफ सीरीज रजिस्टर कनेक्टेड विद होल्डिंग कॉल इन ए डीसी फोर पॉइंट स्टार्टर डीसी चार पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े सीढ़ी प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है ऑप्शन ए होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित रखें ऑप्शन बी होल्डिंग कॉइल में करंट बढ़ाएं। ऑप्शन सी कॉइल को पकड़ने में वोल्टेज बढ़ाएं। ऑप्शन डी होल्डिंग कॉइल में वोल्टेज कम करें तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन ए यानी कि होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करें यानी कि लिमिट द करंट इन द इन होल्डिंग कॉयल ओके तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फोर्टीन का फोर्टीन क्वेश्चन देखें इसका विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक टैन कि डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक टैन के लिए किया जाता है यानी कि जो इलेक्ट्रिक टैन होती है उसकी गति को अपना कंट्रोल करना है तो कौन सी विधि इसमें अपनाई जाएगी अगर मैं बात करूँ इसके ऑप्शन की ए फील्ड डाइवर्टर विधि ऑप्शन बी फील्ड टैपिंग विधि ऑप्शन सी आर्मेचर डाइवर्ट डाइवर्ट विधि ऑप्शन डी

सुरक्षित रखें ओके अच्छा अगला देखें आपको सिक्सटीन में वाई द डेटर वाई द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज चेंज ओनली बाई चेंजिंग द आर्मेचर करेंट डायरेक्शन इन इ डी सी कंपाउंड मोटर यानी कि डी सी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल गोर्डन की दिशा क्यों बदली जाती है ऑप्शन ए रेटेड गति बनाए रखें ऑप्शन बी मोटर विशेषताओं को बनाए रखें ऑप्शन सी आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव से बचे ऑप्शन डी मोयर को ओवरलोड से रोकें तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन बी यानी कि मोटर विशेषताओं को बनाए रखें यानी कि मेंटेन मोटर करैक्टेरिस्टिक्स ठीक है अगला देखो आपका सेवेंटीन में विच स्पीड कंट्रोल मेथड्स ऑफर बिलो नॉर्मल स्पीड इन डीसी सेंट मोटर डीसी सेंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधि काम आती है तो देखो इसमें ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए क्षेत्र नियंत्रण विधि ऑप्शन बी वोल्टेज नियंत्रण विधि ऑप्शन सी आर्मेचर नियंत्रण विधि ऑप्शन डी गति नियंत्रण की वॉर्ड लियोनोनाइट विधि तो देखो कौन सी आएगी इसमें इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी यानी कि आर्मेचर नियंत्रण विधि देखो इसमें क्या आपकी जो आपकी मोटर होती है उस मोटर को कंट्रोल करने के लिए आपकी तीन विधि काम आती है कौन सी आती है तीन से अधिक विधि आती हैं और भी आती है एक तो आर्मेचर कंट्रोल विधि आती है एक फील्ड कंट्रोल विधि आती है एक क्या होती है वोल्टेज कंट्रोल विधि आती है एक वार्ड न्यूलाइट विधि काम आती है बहुत है अब देखो ना जब मोटर आपकी चल रही होती है उसकी स्पीड को उस सामान्य स्थिति से जो चल रही है उस स्पीड से कम करने के लिए कौन सी विधि काम आती है वो आती है आपकी आर्मेचर डाइवर्ट विधि और जब मोटर आपकी चल रही है उस गति से ऊंची यानी कि उस, उस गति से उच्च गति पर चलानी है तो कौन सी काम आ गई फील्ड डाइवर्टर विधि काम आ गई और जब मोटर की स्पीड को क्या कम अधिक यानी कि निम्न में भी चलाना है उच्च भी चलाना है और उसको कम अधिक करना है तो कौन सी ये काम आ गई वो आ गई वार्ड लियोनाइड विधि आती है और साथ साथ तो में कहता है एक वोल्टेज नियंत्रण विधि है तो वोल्टेज भी क्या करती है आपकी जो आपके जितनी वोल्टेज अपन देंगे उतनी वोल्टेज की स्पीड आपकी क्या है मेनटेन रखेगी तो वोल्टेज कंट्रोल विधि के माध्यम से अपने मोटर की स्पीड को बढ़ा सकते हैं ठीक है

श्रेडी बी के कुचालक की है ऑप्शन ए कॉटन ऑप्शन बी बांस ऑप्शन सी फाइबर ग्लास ऑप्शन डी चमड़े का कागज तो क्या क्लास बी के अंदर कौन से रखा है फाइबर ग्लास को रखा है ऑप्शन सी इसका राइट right आंसर है तो क्या है इसका राइट आंसर फाइबर ग्लास अगला देखो व्हाट इज द टेम्परेचर वैल्यू ऑफ क्लास एफ इंसुलेशन श्रेडी एफ इंसुलेशन का तापमान मान क्या है ऑप्शन ए नब्बे डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन बी एक सौ पांच डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन सी एक सौ बीस डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन डी एक सौ पचपन डिग्री सेंटीग्रेड तो राइट आंसर क्या है ऑप्शन डी यानी कि एक सौ पचपन डिग्री सेंटीग्रेड अगर अगला देखो विच टाइप डीसी मेटर इज यूज फॉर कॉन्स्टेंट स्पीड ड्राइव्स यानी कि निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार का डीसी मोटर उपयोग किया जाता है यानी कि जब आपको कॉन्स्टेंट स्पीड चाहिए क्या जी कॉन्स्टेंट स्पीड यानी कि नियत गति चाहिए तो कौन सी मोटर कम आती है वो आती है डीसी सेंटर मोटर ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन बी यानी कि डीसी सी सेंट मोटर क्योंकि यहाँ पे क्या है इसकी गति कह रहती इस रहती है चाहे लोड बढ़े चाहे घटे इसकी मोटर क्या है मोटर की गति कह रहती है इस रहती है जब वो लोड लोड बढ़ता है तो थोड़ी बहुत इसकी स्पीड कम होती है अदरवाइज क्या है कॉन्स्टेंट स्पीड के लिए नियत गति के लिए कौन सी मोटर कम आती है डीसी मोटर डीसी मोटर की बात करें तो डीसी सी सेंट मोटर आती है ठीक है चलो आगे देखो इक्कीस में विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज इन एलिवेटर्स लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है अब देखो लिफ्ट होती है है ना तो लिफ्ट में क्या है हैवी लोड होता है तो हैवी लोड को उठाने के लिए क्या है अपन सी डी मोटर का प्रयोग करते हैं साथ साथ में क्यूमलेटिव कंपाउंड मोटर का भी उपयोग करते हैं तो देखो इसमें से क्या है लिफ्ट की पूछा है तो लिफ्ट में कौन सी मोटर आ गई तो देखो अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं आपको तो, ऑप्शन ए सी डीसीडी मोटर ऑप्शन बी डीसी सेंटर मोटर ऑप्शन सी डीसी डिफरेंशियल यौगिक मोटर ऑप्शन डी डीसी संचयी संचि मोटर तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन डी यानी कि डीसी कम्युनिटी कंपाउंड मोटर अब देखो सीडी मोटर अगर डीसी सी कंपाउंड मोटर नहीं होती और सीडी मोटर होती तो आप सीडी मोटर लगाते ठीक है जबकि दोनों दे रखी है तो उस कंडीशन में आपको प्राथमिकता किसको देनी है डीसी कम्युनिटी कंपाउंड मोटर को ओके तो राइट आंसर क्या है डीसी सी डीसी डी कंपाउंड मोटर ओके चलो आगे देखो ट्वेंटी टू में विच मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल गिव्स बिलो द रेटेड स्पीड इन डीसी सीरीज मोटर गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी सीरीज मोटर में रेटेड गति से नीचे गति देता है सेम टू सेम रिपीटेड क्वेश्चन आ गया यानी कि जो पूछ रहा है कि डीसी मोटर की जो गति है उस गति से नीचे गति चलाने के लिए कौन सी विधि का क्या करते हैं अभी अपन पढ़ के आए हैं कौन सी आर्मेचर डाइवर्टर विधि बस तो राइट आंसर क्या है इसका ऑप्शन डी ऑप्शन डी आर्मेचर डाइवर्टर विधि अगला देखो 23 में व्हाई कार्बन कंपोजिशन ब्रश रिक्वायर्ड इन द आर्मेचर सर्किट टू ऑपरेट द डीसी मोटर यानी कि डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश आवश्यकता क्यों होती है यानी कि डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश आवश्यकता क्यों होती है ऑप्शन ए प्रारंभिक बलाकोड को बढ़ाता है ऑप्शन बी आर्मेचर प्रतिक्रिया को बच बचाता है ऑप्शन सी अति भारत से आर्मेचर रचा करता है ऑप्शन डी कम्यूटेटर खंड में स्पार्क कम कर देता है तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन डी यानी कि कम्यूटेटर खंड में स्पार्क कम कर देता है ठीक है चलो अगर देखो ट्वेंटी फोर में वाई सीरीज मोटर प्रोड्यूस हाई टॉर्क एंड स्पीड इनिशियली विदाउट लोड सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बलगा बलागुड़ और गति क्यों पैदा करती है अगर बात करें ऑप्शन ए बैक ई की अनुपस्थिति ऑप्शन बी फील्ड बाइंडिंग के माध्यम से लोड करंट प्रवाह होता है ऑप्शन सी आर्मेचर करंट और फील्ड करंट समान होते हैं ऑप्शन डी मोटरी तार के साथ श्री डी चित्र तो राइट आंसर क्या है ऑप्शन ए यानी कि बैक ई की उपस्थिति क्योंकि आपकी स्पीड क्या रहती है एन आपके ई बी अपॉन फाइव यहाँ पे ई भी क्या है बैक ईमअप है फाइव क्या है फ्लक्स है एन क्या है गति है जब आपका बैक ईमअप नहीं होता तो उस कंडीशन में क्या रहता है आपका जीरो रहेगा और जीरो रहेगा तो आपकी उस मात्रा में क्या है इसका इनफिनेटिव यानी कि अनंत आपकी गति बढ़ जाती है इसकी और बैक ई ईमअप नहीं होगा तो इसकी गति गति क्या होगी बहुत उच्च हो जाती है यही क्या इसका कारण है तो बैक ई अप नहीं होने से उसकी गति क्या होती है उच्च हो जाती है ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं इसको ट्वेंटी में वाई द सीरीज फील्ड इज शॉर्ट सर्किटेड एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग इन डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय सीढ़ी क्षेत्र को लघुपतित क्यों किया जाता है ऑप्शन ए प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए ऑप्शन बी मोटर की गति को बढ़ाने के लिए ऑप्शन सी मोटर की गति को कम करने के लिए ऑप्शन डी रोटेशन की उचित दिशा बनाए रख ली तो इसका राइट आंस क्या है ऑप्शन डी यानी कि रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए ओके तो बस आपका ये ट्वेंटी फाइव मैंने क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा दिए और बाकी के जो ट्वेंटी फाइव रहे हैं वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में चेक करा दूंगा ठीक है तो अभी आपका पार्ट ए आया है पार्ट बी आपका कल आएगा ठीक है ठीके? तो वीडियो में बस इतना ही है और फ्रेंड और कोई कोई क्वारी हो तुम्हारी कोई समस्या हो तो आप मुझे सीधे कमेंट कर सकते हो साथ मेरा जो आपका व्हाट्सएप नंबर मैंने बता रखा आपको नाइन सिक्स वन जीरो सिक्स ज़ीरो सिक्स टू फाइव फोर आप इसमें भी मुझे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो और मैं आपको विद इन टाइम आपको सॉल्व करके भेज दूंगा ओके फ्रेंड्स तो आज की वीडियो में इतना ही फ्री मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय और हाँ वीडियो को जरूर सब्सक्राइब और लाइक कर देना